हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। दीपिका की लाइफ में निहार पांडे के वापस आने की खबर में है कितनी सच्चाई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल से करीना ने क्यों किया वॉकआउट। असिन ने ऐसा क्या किया जिससे नाराज हो सकते हैं सलमान खान। और मिलवाएंगे आपको टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल 2011 के विनर्स से। और आज के बुलेटिन की शुरुआत दीपिका पादुकोण से। मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप होने के बाद दीपिका पादुकोण की लाइफ में निहार पांडे वापस आ गए हैं, लेकिन इस खबर में कितनी है सच्चाई, वेल जूम बता रहा है आपको। दीपिका पादुकोण इज अपेरेंटली बैक टू निहार पांड्या। बॉलीवुड में इन दिनों इस तरह की खबर की बड़ी चर्चा है, लेकिन जूम ने जब इस खबर की सच्चाई पता करने के लिए शुरू की अपनी इन्वेस्टिगेशन, तो कहानी कुछ और ही नजर आई। न तो दीपिका और ना ही निहार पांड्या, दोनों में से किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया कि वो इन दिनों एक दूसरे के टच में भी हैं या नहीं। साथ ही दीपिका ने अपना चैट स्टेटस गेम ओवर भले ही रखा हो, पर इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि उनका सिद्धार्थ माल्या के साथ ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि दीपिका ने सिद्धार्थ माल्या के साथ भी अपने रिश्ते को कभी दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं बताया। What's your relationship status right now? You're spotted in very exciting company, Siddharth, young, good-looking Siddharth Malia. Today I'm in very good company. Why is no one writing about this? I mean, when people write about it, then people spot you together. What's your reaction? Who are these people? Who are these people? Friends in the media. Friends are friends. They can come and ask me. And the media I'm not answerable to. Reaction to that, what would you say? Nothing. In fact, Deepika तो पहले भी कई बार media से appeal कर चुकी हैं कि इस तरह उनका नाम किसी के साथ न जोड़ा जाए। I've chosen to be in a profession where everything that I do is going to be scrutinized. I have no complaints about that. I understand that that's nature of the business. But at the end of the day, I guess, you know, it's up to me how much I want to say and how much I need the world to know. ऐसे में गॉसिप वालों ने दीपिका का एक बार फिर लिंकअप करा दिया है। कोई नया नहीं मिला तो खबर ये आ गई कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या को वो अपने ब्रेकअप की कहानी सुना रही हैं। लेकिन इस खबर में प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई भी सच्चाई पता नहीं चली। हमारी इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। इस पर दीपिका और निहार से उनका रिएक्शन जैसे ही हमें मिलेगा, हम उसे आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में जरूर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। इमरान खान ने करीना कपूर को कराई फरारी की सवारी, और जूम आपके लिए लेकर आया है ये स्पेशल विजुअल्स। वेल, इन स्पेशल विजुअल्स में स्पेशल बात ये है कि फरारी भी रेड कलर की थी और करीना की ड्रेस भी। जरा आप भी देखिए। एक्टर इमरान खान ने करीना कपूर को कराई अपनी फरारी की सवारी। इमरान ने अपनी कार का कलर चूज किया रेड, वहीं करीना ने भी पहनी रेड ड्रेस। अपनी कार में बिठाकर इमरान ने करीना को मुंबई के बांद्रा इलाके में फास्ट राइड भी कराई और आइसक्रीम पार्लर भी ले गए। Well, I'm happy that Imran's got such a lovely car and I'm happy we came here to do this event. But the crowd is just insane that we can't even stand or move or do anything. बहुत बहुत मजा आ रहा है भाई, something I've always dreamt of when I was a kid. वैसे करीना और इमरान को देख वहाँ मौजूद लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए। कुछ फैंस को दोनों ने ऑटोग्राफ भी दिए तो कुछ ने इमरान की कार के साथ फोटो खिंचवाए। ये बात और है कि करीना वहाँ क्राउड को देखकर घबरा गईं और अपने बॉडीगार्ड्स पर खूब बरसी। फॉर सलमा खान, जूम मुंबई। और अब बात टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल 2011 की, जिस पोल का बॉलीवुड को बेसब्री से इंतजार था। उसका रिजल्ट आ गया है। तो कौन बना बॉलीवुड में सबसे डिजायरेबल? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। वी वर्शिप देम, वी फॉलो देम, वी ड्रीम देयर लाइफ। They are our supermodels. लेकिन इन सभी स्टार्स में कौन रहा सबसे ज्यादा डिजायरेबल? पूरे बॉलीवुड को जिस रिजल्ट का था बेसब्री से इंतजार, अब उसका रिजल्ट आ गया है। जी हाँ,
टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल के विनर्स के नाम अनाउंस हो गए हैं, जो हम रिवील करने जा रहे हैं हमारी इस स्टोरी में। वेल, टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल फीमेल्स में टॉप स्लॉट जीता है खान्स की फेवरेट करीना कपूर ने। जी हाँ, करीना द हाईली रिगार्डेड टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल को जीत कर एक बार फिर से बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन बन गई हैं। वेल, जूम ने करीना से पूछा कि उन्हें कितनी खुशी है ये पोल जीतकर। Obviously you feel desirable. The entire country has proved it time and again. No, I mean it's actually a bit embarrassing, but yeah, I guess every woman likes to be desired. करीना से हमने ये भी पूछा कि जब वो टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल में टॉपर बनी तो इस पर सैफ का क्या रिएक्शन था। Actually the only one who doesn't react. I think he just takes me for granted. Well, ये तो थी टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की विनर करीना कपूर। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेन में किसने जीता ये खिताब। Yes, you saw it right. It's none other than Salman Khan. Salman ही है इस बार के बॉलीवुड के सबसे डिजायरेबल मैन। वैसे सलमान के लिए जनता का प्यार हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है। जिस सिर्फ काम करना है और बस वही करूँगा। उसके बाद आप मुझे इस वक्त आप नंबर 50 भी देते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे चाहिए कि जब मेरे फैन जाके पिक्चर देखें उनको पिक्चर पसंद आए, बस इतना ही है मेरा। लगता है सलमान का यही एटीट्यूड उन्हें बनाता है द मोस्ट डिजायरेबल। नाउ वी कैन जस्ट से वन थिंग, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ द स्टार्स। With Rudrani Chaturaj, Bureau Report, Zoom, Mumbai. असिन जो हाल ही में सलमान के साथ ढिंका चिका कर रही थी, अब शाहरुख के साथ क्लोजनेस बढ़ाती नजर आ रही है। जी हाँ, एक रीसेंट फंक्शन में असिन शाहरुख से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उनके साथ एक फोटो खिंचवाए। आसन ने लास्ट ईयर सलमान खान के साथ ढिंका चिका करके भले ही एक फैन बेस तैयार कर लिया हो, बट आसन खुद है SRK की फैन। Yes, you heard it right, and ये कहना है Zoom के sources का, who spotted Aasan having a fan moment with Shahrukh Khan. According to our jasoos, जो मौजूद थे रितेश एंड जनीलिया की शादी में, उनका कहना है कि Aasan was cozying up with Shahrukh Khan. यही नहीं, जब शाहरुख जा रहे थे, तो Aasan followed him till the parking and requested a picture with him. And ये picture paparazzi के shutterbugs के लिए नहीं थी, बल्कि ये picture तो थी खुद Aasan के cell के लिए. Well, as you must have guessed, शाहरुख gladly obliged. पर ये गेस कीजिए कि वो फोटो आखिर क्लिक किसने की। जी, कैमरे का बटन दबाया राहवन के स्क्रिप्ट राइटर मुश्ताक शेख ने। वैसे इट शुडंट कम एज अ सरप्राइज टू एनीवन, आसन ने तो शाहरुख के साथ काम करने की डिजायर हमेशा ही एक्सप्रेस की है। See, we told you. यही नहीं, एक कैलेंडर लॉन्च पर भी आसन को देखा गया SRK से कोजी होते हुए। Well, we must say that आसन का perseverance finally paid off. क्योंकि रितेश जनीलिया विवाह में after obliging आसन with a picture, शाहरुख escorted आसन to her car and held the door open for her. First kissing Katrina on stage and now आसन. चलो बढ़िया है। For Kirti Tarang and Salma Khan, Zoom, Mumbai. और अब बात करीना कपूर की। करीना ने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल से वॉक आउट कर लिया है, लेकिन फिल्म से बाहर निकल जाने की वजह फिल्म में शाहिद कपूर की एंट्री है या फिर कुछ और? लेट्स इन्वेस्टिगेट। सबको उम्मीदें थी कि करीना करेंगी वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल में पीलू। सबको खबर थी कि करीना बनेगी दाऊद की गर्लफ्रेंड मंदाकिनी, लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि करीना ने मिलन की फिल्म में मंदाकिनी बनने से साफ मना कर दिया है। अब सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या हो सकती है इसकी वजह। वेल, रूमर्स तो ये थे कि करीना इस फिल्म में इसलिए काम नहीं करना चाहती है क्योंकि इस फिल्म के सेकंड लीड हीरो हैं शाहिद कपूर, और शाहिद के करीना के साथ अब किस तरह के रिश्ते हैं ये जमाना जानता है। लेकिन फिल्म से वॉकआउट करने की असली वजह ये नहीं है, वजह है प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटी।
मुंबई के एक टैब्लॉइड की माने तो करीना इस बात से नाराज हैं कि एकता कपूर और मिलन लुथरिया ने उन्हें अभी तक ना तो फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ाई है और ना ही डेट्स फाइनल की हैं, और इसी अनप्रोफेशनल रवैये के चलते उन्होंने इस फिल्म में काम करने से अब मना कर दिया है। वेल, वैसे फिल्म के लीड हीरो अक्षय कुमार हैं, और एक बार जूम को दिए इंटरव्यू में करीना ने ये भी कहा था कि अक्षय की फिल्म में हीरोइन का कोई रोल नहीं होता। ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद हिम, मगर आई होप अक्षय की इस फिल्म में हीरोइन का रोल अच्छा होना चाहिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं कहानी सुनूंगी अगर रोल अच्छा है तो डेफिनेटली मैं करूंगी। वैसे फिल्म ना करने की वजह एक और भी बताई जा रही है, और ये वजह है करीना और सैफ की जल्द होने वाली शादी। सैफ ने अपेरेंटली मीडिया में ये बात कह दी है कि ईयर 2013 से पहले वो शादी कर लेंगे, हालांकि करीना ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। There is actually no wedding date, and I think right now both of us are concentrating on our movies and Agent Vinod, and I don't understand that why everyone is so you know keen that and the hurry for you know me and Seth to kind of get married and whatever, and we've never really lied to the press, so whenever we do decide to, we'll definitely tell them. Well, film se bahar jaane ki wajah jo bhi ho, lekin jis Balaji Films ne Vidya ko is saal Bollywood ki sabse popular actress bana diya, jis Balaji Films ki heroine ko aaj Bollywood salam kar raha hai, usi Balaji Film ke saath kaam na karne ka decision Kareena ka kitna sahi hai, ye to aane wala waqt hi batayega. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में मैं लेने जा रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी अजय देवगन और कैटरीना एक बार फिर कहाँ नजर आएंगे एक साथ। विवेक ओब्रॉय कर रहे हैं सलमान खान को फॉलो, और हमारे पास है इस बात का प्रूफ भी जिसे हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की नेक्स्ट स्टोरी में दिखाने जा रहे हैं। वो सलमान के चहेते हैं, सलमान ने उन्हें ब्रेक दिया था। म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद को सलमान ने सबसे पहले प्यार किया तो डरना क्या और हेलो ब्रदर जैसी फिल्म से इंट्रोड्यूस करवाया। अब सलमान को जवाब देते हुए उनके राइवल विवेक ओबेरॉय ने साजिद वाजिद के नेफ्यू को बॉलीवुड में लाने की ठानी है। सोर्सेज की माने तो जिन कंपोजर्स को सलमान बॉलीवुड में लाए उन कंपोजर्स के नेफ्यू को विवेक ब्रेक देंगे। सोर्सेज के मुताबिक विवेक आउट ऑफ द वे जाकर अपनी फिल्म जिला गाजियाबाद और KLPD में इन न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स को रेकमेंड कर रहे थे, और विवेक की अर्जी और मर्जी दोनों को मान लिया गया। अब साजिद वाजिद के भतीजे करेंगे विवेक की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू। सुनने में आया है साजिद वाजिद को भाई के दुश्मन से मिल रही इस हेल्प से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो विवेक का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। वेल, साजिद वाजिद को भले ही कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन देखना ये है कि जब सल्लू को ये पता चलेगा कि विवेक हैज आउटस्मार्टेड हिम तो क्या होता है। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। सुनने में आया है कि अजय देवगन और कैटरीना कैफ प्रकाश झा की नेक्स्ट फिल्म में काम करने जा रहे हैं, तो क्या अब प्रकाश झा, अजय देवगन और कैटरीना कैफ के बीच ऑल इज वेल हो गया है? चलिए जानते हैं। कैटरीना कैफ और अजय देवगन साथ नजर आ सकते हैं। राजनीति के सक्सेस के बाद प्रकाश झा और कैटरीना कैफ ने फिर से साथ काम करने का मन बना लिया था, लेकिन दोनों में कुछ अनबन हुई और इसीलिए प्रकाश झा की नेक्स्ट रिलीज आरक्षण में कैटरीना कैफ के बदले दीपिका पादुकोण को लिया गया। जब राजनीति के मेकिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को वर्ड्स दिए थे दैट दे विल बी वर्किंग विद ईच अदर इन देयर नेक्स्ट फिल्म, क्या अनबन हुई, किस बात पर हुई, ये बात सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। हाउएवर, झा हैड ऑलवेज सेड दैट ही एंड कैफ वुड डेफिनेटली वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर, बट नाउ वी हैव हर्ड कि दोनों की अनबन सुलझ गई है एंड प्रकाश झा की नेक्स्ट फिल्म के लिए ही हैज साइंड कैटरीना कैफ। अपेरेंटली इस फिल्म में अजय देवगन भी होंगे। वैसे हम आपको बता दें अजय एंड प्रकाश झा में भी राजनीति के दौरान काफी अनबन हुई थी। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि अजय डिड नॉट टेक अ पार्ट इन द प्रमोशन ऑफ राजनीति, क्योंकि उनके मुताबिक अजय डिड नॉट गेट अ फेयर डील इन राजनीति। अजय को लगा कि ही हैज बीन लॉयल टू प्रकाश झा फॉर सो मेनी इयर्स, लेकिन राजनीति में प्रकाश झा ने उन्हें इग्नोर किया। लेकिन अब जिस तरह जूम को खबर मिली है कि अजय देवगन और कैटरीना कैफ प्रकाश झा की नेक्स्ट फिल्म में काम करने वाले हैं, उसे देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में मैं लेने जा रही हूं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिल्म मेकर राज कन्वर को आखिरी विदाई। वेल नोन फिल्म मेकर राज कन्वर अब हमारे बीच नहीं रहे, और कल उन्हें आखिरी अलविदा कहने के लिए बॉलीवुड से गिने चुने ही सेलिब्रिटीज पहुंचे।
हो गई ये आंखें, नम हो गई ये आंखें। बॉलीवुड को बड़े बड़े सितारे देने वाले न जाने सितारों के बीच कहां खो गए। फिल्म मेकर राज कंवर अब हमारे बीच नहीं रहे और संडे को मुंबई के ओशीवारा इलाके में उनके घर के पास रखा गया था उनका फ्यूनरल, जहां उम्मीद तो पूरे बॉलीवुड के पहुंचने की थी। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने बड़े फिल्म मेकर राज कंवर को आखिरी अलविदा कहने बॉलीवुड के गिने चुने सेलिब्रिटीज ही पहुंचे। राज कंवर ने शाहरुख खान को फिल्म दीवाना में शोहरत दिलाई थी और सबको उम्मीद थी कि आखिरी अलविदा कहने शाहरुख जरूर आएंगे, लेकिन शाहरुख नहीं आए। प्रियंका चोपड़ा को भी फिल्म अंदाज से बॉलीवुड में एंट्री राज कंवर ने ही दिलाई, लेकिन प्रियंका भी उन्हें अलविदा कहने नहीं आई। वेल, यहां फराह खान, मनोज बाजपेयी, अलका याग्निक, सतीश कौशिक, रजा मुराद जैसे सेलिब्रिटीज आए और इन सभी ने फिल्म मेकर राज कंवर के चले जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ऑफकोर्स उनके उनके फैमिली मेंबर्स के लिए तो डायरेक्टर के पहले वो परिवार के सदस्य थे। इट्स वेरी शॉकिंग। आई नो कि वो बीमार थे, लेकिन ही वॉज ओनली 53 or 54 एंड इट्स वेरी सैड दैट ही इज पास्ड अवे। वेल, एट दिस सैड मोमेंट We for Zoom can just say, may his soul rest in peace. For Sajid Patel, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.